हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय MKY टेक्निकल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक नए आइसोमेट्रिक व्यू के प्रोजेक्शन निकालकर आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो जो है बहुत ध्यान से देखिए। आइसोमेट्रिक व्यू बनाते कैसे हैं ये मैं अपने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो किस तरीके से बनाते हैं और प्रोजेक्शन किस तरीके से निकालते हैं वो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको एक नए व्यू के प्रोजेक्शन निकालकर बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। जैसे कि आपका यहाँ पर ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, इसके मैं प्रोजेक्शन निकालकर आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको ITI के एग्जाम में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपने पेज पर इस तरह से जो है लाइनों को खींच लीजिए। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन के 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे इस तरीके से दो लाइनों को और खींच लीजिए, और ये वर्टिकल लाइन से दाईं तरफ और बाईं तरफ 10-10 mm पर दो लाइनें खींच लीजिए। इसके बाद में हम व्यू बनाते हैं। जैसे कि इसका हम निकालेंगे थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका फ्रंट साइड और टॉप बनेगा कहाँ। दोस्तों, थर्ड एंगल में जो होता है फ्रंट जिधर होता है उधर ही बनता है, और साइड जिधर होता है उसी साइड में बनता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसका फ्रंट जो है इधर से है, मतलब राइट में है तो राइट में ही बनेगा, और साइड व्यू लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, क्योंकि थर्ड एंगल में टॉप हमेशा ऊपर बनता है, तो इसका टॉप कहां पर बनेगा। अब जैसे कि फ्रंट जो था, फ्रंट आपका राइट में था तो फ्रंट आपका यहां पर बनेगा, साइड आपका यहां पर बनेगा और टॉप आपका यहां पर बनेगा। सबसे पहले आप ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद ही आप बना पाएंगे। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट व्यू को बनाते हैं। अब फ्रंट व्यू को जब हम बनाएंगे तो किधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे। तो इधर से देखेंगे मतलब इसकी जो लेंथ है, फ्रंट व्यू में लेंथ जो है वो आपकी केवल कितनी है, ये 15 ये हो गई और ये 15 ये हो गई, मतलब 30 mm इसकी लेंथ है फ्रंट व्यू में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से जब हम देखेंगे तो हमें ये सरफेस दिखेगी और हमें ये सरफेस दिखेगी, और ये सरफेस हमें बिल्कुल नहीं दिखेगी क्योंकि ये सरफेस हमारी चौड़ाई में काउंट होगी, क्योंकि हमारा फ्रंट इधर से है। तो क्या क्या हमें बनेगा, 15 और 15, 30 mm लंबाई हो गई और 30 mm ही इसकी हाइट है। तो सबसे पहले इसे हम बना लेते हैं। देखिए, ऐसा करते हैं कि फ्रंट जो है, फ्रंट हम इधर से ले लेते हैं और साइड व्यू हम इधर से लेंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू उधर से ज्यादा सही रहता है जिधर लेंथ ज्यादा होती है। तो लेंथ इधर से ज्यादा है तो फ्रंट व्यू हम इधर से ले लेते हैं और साइड व्यू इधर से। तब हमारा साइड व्यू किधर है, लेफ्ट में, मतलब राइट में, तो राइट में बनेगा। साइड व्यू आपका इधर बनेगा, फ्रंट व्यू आपका यहाँ पर बनेगा और फ्रंट के ऊपर ही बनेगा टॉप व्यू। इसका मतलब फ्रंट लेफ्ट में है तो लेफ्ट में बनेगा, साइड राइट में है तो राइट में बनेगा, बट नीचे बनता है थर्ड एंगल में, और फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप बनता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसकी हाइट कितनी है, 40, और लेंथ इसकी टोटल है आपकी देखो 15 ये हो गई, 35 ये, 35 और 15 कितनी हो गई आपकी 40, 50, 50 और 20 ये 70 लेंथ है इसकी टोटल। तो हम इतना ये ड्रॉ करते हैं, इधर से अब हम देखेंगे तो फ्रंट से आपको क्या क्या दिखता है। फ्रंट से आप वही लाइनों को खींचिए, फ्रंट से आपको लेंथ और हाइट वाली लाइनों को खींचना है, आपका फ्रंट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि ये वर्टिकल लाइन है, फ्रंट हमारा यहाँ पर बनना है, तो हम हाइट किस लाइन पर लेंगे, इसी लाइन पर लेंगे क्योंकि यही वर्टिकल लाइन है। तो ये हो गई हमारी 40 mm हाइट। अब उसके बाद में लेंथ, लेंथ हम किधर के लिए लेंगे, लेंथ तो हम इधर के लिए ही लेंगे, हाइट हमारी ये हो गई, तो 70, या हम नीचे से शुरुआत करते हैं, नीचे से शुरुआत करें तो ये हमारी 40 यहाँ तक की हो गई, इसे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस तरीके से, इसे हमने डार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से इधर से देखेंगे तो ये अंदर के लिए कितनी गई है, 15 mm, तो यहाँ से क्या करेंगे, 15 mm अब इधर के लिए हम लाइन खींचेंगे, 15 mm,
ये हमने खींच ली 15 mm की एक लाइन। उसके बाद में क्या है, देखिए यहाँ पर आएंगे, इतनी हमने खींच ली, उसके बाद में ये वाली लाइन कहाँ गई है, ऊपर, लेकिन ये वाली लाइन नहीं दिखेगी, ये वाली लाइन दिखेगी, क्योंकि ये सरफेस चौड़ाई की है, ये हमें नहीं दिखेगी फ्रंट से, ये चौड़ाई की है, देखिए ये चौड़ाई की है, ये भी चौड़ाई की है, तो ये चीज नहीं दिखेगी, लेंथ में ये चीज काउंट हो रही है, तो अब हमारी ये वाली लाइन यहीं से उठती हुई दिखेगी, तो यहां से उठा के और उसके बाद में इधर का बनाते हैं। ये ऊपर भी 15 mm इस तरीके से नाप लेंगे, नाप लिया, यहां से इसको मिला देंगे, ये इतनी हमारी जो है सरफेस आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ये आपकी कितनी सरफेस बनकर तैयार हो गई, ये वाली सरफेस बनकर तैयार हो गई। अब हमें ये वाली सरफेस तो दिखनी ही नहीं है, अब ये वाली जो लाइन है ये यहीं से खिस, ये वाली जो लाइन है, ये वाला पार्ट उठकर कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर ये हमारा उठकर आ जाएगा। तो अब इधर का हम बनाते हैं, इधर के लिए हम कितना जाएंगे, 35 mm, ये वाली सरफेस नहीं दिखेगी तो ये यहाँ से ही जुड़ती हुई दिखेगी, तो इधर के लिए हम कितना जाएंगे, अब 35 mm जाएंगे इधर के लिए, इस तरीके से नापिए आप, और इधर के लिए 35 mm, ये हो गया देखो 35 mm, 35 mm जाने के बाद में ये यहाँ की इतनी कितनी इसकी ऊंचाई है 10 mm, ये इधर से पता चल रहा है, 10 mm जाने के बाद में ये आपकी कितनी है, ये है आपकी 20 mm, जब आप इसे को इसको घटाएंगे यहाँ से यहाँ तक की है, देखिए ये 15 हो गई और ये है आपकी 35 35, और ये है, ये भी आपकी कितनी हुई 15, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 है, तो आपकी कितनी 35 - 15 करोगे तो 20 बचेगी, तो यहाँ से पहले 10 mm ऊपर जाएंगे फिर 20 mm इधर के लिए आएंगे, यहाँ से हम 10 mm ऊपर के लिए उठाएंगे इस तरीके से, और 20 mm जो है हम अंदर की तरफ आएंगे, 20 mm अंदर की तरफ आएंगे, 20 mm अंदर की तरफ आने के बाद में, अब यहाँ पर देखिए 20 mm अंदर आने के बाद में हम फिर से कितना ऊपर जाएंगे, 40 थी, 10 ये उठ गए हम पहले ही, अब कितनी बची, 30 mm, तो अब यहाँ से हम कितना ऊपर जाएंगे, 30 mm ऊपर के लिए जाएंगे हम, ये हम यहाँ से 30 mm ऊपर के लिए चले गए, और यहाँ पर जो आपकी ये है 15 mm की, ये यहाँ पर देखिए ये जुड़ गई आपकी, ये 15 mm की, ये अब आपका जो है फ्रंट व्यू जो है आपका बनकर, अभी फ्रंट व्यू में क्या कमी रह गई है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो है आपकी यहाँ पर ही ये छिप रही है, तो इधर से देखेंगे तो ये सरफेस आपको इधर से ही बढ़ती हुई आगे दिखेगी, तो यहीं से ये आगे जुड़ जाएगी, और 20 mm की और 10 mm हाइट की, तो 20 mm यहाँ पर और आपको इसकी लंबाई बढ़ा देनी है, ये 20 mm की खींच ली, इसके बाद में 10 mm की इधर से ऊंचाई और खींच ली, ये हमने ये हो गई 10, और यहां से ये इसको हमने मिला दिया, अब जो है आपका फ्रंट भी ये पूरा बनकर तैयार हो गया, इस तरह से आपका जो है इधर से आपका फ्रंट व्यू ये बनकर तैयार हो गया। इसके बाद में हम साइड पर चलते हैं, साइड व्यू आपका राइट में है तो थर्ड एंगल में जिधर होता है उधर ही बनता है। अब आप बताइए साइड व्यू, साइड व्यू में आप हमेशा याद रखिए, साइड व्यू में आपको दिखती है चौड़ाई, मतलब विड्थ दिखती है और हाइट दिखती है, लेंथ की कोई भी लाइन आपको नहीं दिखेगी। तो चौड़ाई में आपकी कौन कौन सी होंगी, इधर के लिए जितनी भी ये लाइनें होंगी वो चौड़ाई वाली लाइनें होंगी। तो देखिए 10 mm ये चौड़ाई हो गई, और ये तो लंबाई की है, ये हो गई 30, मतलब 40 mm चौड़ाई है। अब आपकी टोटल जो इसकी चौड़ाई है वो 40 mm है, तो हाइट कितनी है, हाइट आपकी वही 40 mm हाइट भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हाइट आप किधर से लेंगे, हाइट इसके बराबर ही होगी, ये देखिए 40 पर ये पॉइंट लगा हुआ है। अब आपकी चौड़ाई भी इसकी 40 mm है, तो चौड़ाई आप किस पर ले सकते हैं, चौड़ाई आप इधर ही ले सकते हैं, तो ये आपकी हो गई चौड़ाई। तो सबसे पहले हम कितनी इधर से, अब हम देख रहे हैं इधर से, इधर से आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप,
सबसे पहले ये 30 वाली आप बनाइए, 30 वाली सबसे पहले बनाइए। तो सबसे पहले 30 वाली लाइन हमने ये खींच ली आपने। उसके बाद में आपको देखिए क्या है, ये 30। अब ये आपको लंबाई वाली सरफेस है तो ये दिखेगी ही नहीं, इसके पीछे ये छिप जाएगी। अब आपको चौड़ाई, हम आप साइड व्यू में आ गए हैं तो साइड व्यू से आप क्या, आपको क्या क्या दिखेगा साइड व्यू से, आपको ये सरफेस दिखेगी और ये सरफेस दिखेगी, ये सरफेस नहीं दिखेगी, ठीक है, और ये सरफेस आपको नहीं दिखेगी, ये भी आपको सरफेस कुछ भी नहीं दिखना है, ये सब आपकी जो है पीछे छिप जाएगी। तो आपको ये सरफेस दिखनी है, ये सरफेस दिखनी है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 30 की खींच ली। अब ये लाइन नहीं दिखेगी, ये लाइन यहीं से जुड़ती हुई दिखेगी। तो ये 10 mm और आगे के लिए हम बढ़ गए, मतलब यहाँ तक बढ़ गए, ये 10 और ये 10 mm, मतलब इधर से आपकी ये ऊपर उठी हुई है, यहां से उठा दीजिए और 10 mm अंदर आने के बाद में ये आपकी ये सरफेस जो है यहां से ये उठा दिया, ये वाली आपकी सरफेस बन गई। ये और उसी के आगे से ये सरफेस जब दिखेगी नहीं तो ये वाली सरफेस इसके यहां पर ही जुड़ती हुई दिखेगी। तो ये आपकी ये सरफेस बन गई यहां पर। इसको भी क्या कर देते हैं, इसको भी ये पूरी लाइन आपकी क्या है, आपकी जुड़ जाएगी, ये जुड़ गई आपकी लाइन, क्योंकि पहले आपकी ये लाइन खींचेगी और ये वाली लाइन आपको दिखेगी नहीं क्योंकि ये लेंथ की है, और यहीं से आपकी आगे ये बढ़ गई, इतना बढ़ गई। अब आपको साइड व्यू से क्या नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पीछे जो कटा हुआ भाग है ये आपको नहीं दिख रहा है, तो ये डॉटेड लाइन से दिखाना होगा। तो ये किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए ये यहां से हाइट कितनी है 10 और ये अंदर के लिए कितना गया है। अब देखिए इसके बाद में साइड व्यू से हमें क्या नहीं दिख रहा है, साइड व्यू से हमें ये चीज नहीं दिख रही है क्योंकि ये पीछे जाके ये इतने बीच में ये कटा हुआ है। तो कितने mm कटा हुआ है, 10 mm की ऊपर हाइट जाके और ये 15 mm के लिए अंदर गया है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे टोटल इसकी चौड़ाई है 40, 25 आपकी ये कम हो गई तो 15 ही बचेगी आपकी। तो आप यहां से इधर के लिए क्या करिए, यहां से 10 mm ऊपर पर पॉइंट रखकर और इधर के लिए हम कितना जाएंगे अंदर, 15 mm अंदर के लिए जाएंगे, डॉटेड लाइन में जाएंगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी 15 mm। अब 15 mm जाने के बाद में यहां से हम नीचे के लिए आएंगे, इस तरह से जो है हमारा पूरा साइड व्यू बन जाएगा। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये पीछे जाके कुछ ना कुछ इसमें कटा हुआ है। अब टॉप व्यू है, टॉप व्यू की बारी आई, तो टॉप व्यू आपका कहाँ बनेगा, फ्रंट के ऊपर, जिधर फ्रंट होगा उधर ही बनेगा आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू थर्ड एंगल में ऊपर बनता है, तो अब हम टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप से आपको क्या क्या बनाना है, टॉप से हमेशा आपको लेंथ दिखती है और आपको दिखती है चौड़ाई, मतलब विड्थ, हाइट आपको नहीं दिखती है। ऊपर से आप किसी भी चीज को देखेंगे तो आपको हाइट नहीं दिखेगी, इसका मतलब आप लेंथ वाली और चौड़ाई वाली लाइनों को खींचते हुए चले जाइए तो आपका जो है टॉप व्यू बन जाएगा, हाइट वाली लाइनों को बिल्कुल छोड़ देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या शुरुआत करते हैं, अब जैसे कि हम टॉप बनाएंगे तो टॉप यानी कि चौड़ाई, ये चौड़ाई आपकी ऐसी ऐसी हुई, चौड़ाई कहाँ पर लेंगे, अब ऐसे ऐसे में ही लेंगे चौड़ाई, क्योंकि लेंथ हमें इधर लेनी है, हाइट तो लेनी नहीं है इसमें, तो चौड़ाई इधर के लिए लेंगे हम, क्योंकि हमें लेंथ बराबर रखनी है इसके बराबर, तो लेंथ हमारी इसी पर जाएगी। तो चौड़ाई क्या हुई, चौड़ाई ये देखिए आप, ये इधर से चौड़ाई कितना, सबसे पहले हम क्या करेंगे ऊपर, यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई 40, ये 40 पर इस तरीके से पॉइंट रख लीजिए। अब ये वाली लाइन इधर के लिए मतलब कितनी mm गई है, 30 mm, मतलब यहां से अब इसको जब सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से सीधा होगा, तो ये यहां पर नहीं इधर के लिए जाएंगे, यहां से जाएंगे अंदर के लिए 30 mm, तो 30 mm यहां से आप जाइए अंदर, ये हम गए 30 mm अंदर इस तरीके से। उसके बाद में नीचे के लिए हम आएंगे, जितनी इसकी चौड़ाई है 40, मतलब 40 mm नीचे के लिए आएंगे,
ये हम आ गए 40 mm नीचे के लिए। पहले हम इधर के लिए गए, फिर हम नीचे के लिए, अब हम फिर से इधर के लिए बढ़ेंगे। कितना? ये 15 mm की है। जब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 15 mm की ये है, तो 15 mm की ये बची, 30 mm पूरी है। तो 15 mm हम इधर के लिए अब आएंगे। यहां से 15 mm पर पॉइंट लिया, ये आया आपका पॉइंट। ये यहां पर आप देख रहे हैं ये अंदर के लिए कितना जाएगा, ये आप 10 कम कर दीजिए क्योंकि ये 10 है, मतलब कितना जाएगा अंदर के लिए 30, क्योंकि चौड़ाई पूरी कितनी है 40। तो 30 mm के लिए अब हम अंदर जाएंगे। फिर से यहां से हम गए अंदर के लिए 30 mm, 30 mm अंदर के लिए गए। इसे भी आप थोड़ा डार्क कर दीजिए। और इसके बाद में हम यहां से इधर के लिए 15 mm इधर के लिए आ जाएंगे, और इसे भी हल्का सा डार्क कर दीजिए। कितना पार्ट आपका बनके तैयार हो गया? ये पार्ट आपका बनके तैयार हो गया। इसके नीचे ये आपकी हाइट की है। अब हम टॉप व्यू बना रहे हैं तो हाइट की है, ये भी हाइट में आ रही है, सरफेस नहीं बनेगी। ये भी हाइट में आ रही है, सरफेस नहीं बनेगी। ये भी आपकी हाइट में सरफेस आ रही है, नहीं बनेगी। ये सब हाइट में आ रहा है, ये भी हाइट में आ रहा है, ये भी हाइट में आ रहा है। अब हमारा इतना पार्ट बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद में ये जो है, ये वाली किधर से बनेगी? नीचे वाली लाइन से, मतलब यहां से आगे के लिए बढ़ाएंगे। कितने की है? 20 की। उसके बाद में 20 mm की ये और है, तो उसके पहले हम ये 20 mm इधर के लिए जाएंगे। यहां से जो है हम 20 mm इधर के लिए ये गए। ये देखिए, यहां से हम 20 mm के लिए गए। ये वाली किधर से खींची जाएगी? ऐसा होगा तो ये कौन सी वाली लाइन पर आएगी? यहां पर 20 mm इधर गए। अब किधर के लिए जाएंगे? अंदर के लिए। ये कितनी है? 15 mm। तो 15 mm अब यहां से अंदर के लिए जाइए। इस तरीके से रखिए स्केल, और 15 mm अंदर के लिए जाएंगे इस तरीके से। इतना हमारा बन गया। अब यहां से हम इधर के लिए जाएंगे। कितना जाएंगे? 20 mm, 20 mm ये लिखा हुआ है, मतलब ये यहां से हम जाएंगे इधर के लिए 20 mm। अब यहां से फिर इधर के लिए जाइए 20 mm। अब आप यहां पर देखिए, यहां से अब हम इधर के लिए जाएंगे 25 mm। तो यहां से अब हम 25 mm ऊपर के लिए इस वाली लाइन पर जाएंगे। और यहां से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो है यहां तक दिख रही है, लेकिन ये कहां तक है? बिल्कुल ये सरफेस पूरी है, इसके पीछे दिख नहीं रही है लेकिन पूरी है। तो ये पूरी लाइन बना दीजिए आप, मतलब यहां से डायरेक्ट यहां के लिए ये मिला दीजिए। अब आपका जो है टॉप व्यू जो है पूरा बनकर तैयार हो गया है, केवल डायमेंशनिंग बची है। इसकी आप डायमेंशनिंग कर दीजिए। आपके ये तीनों व्यू जो है निकल चुके हैं। इसके बाद में आप डायमेंशनिंग कर दीजिए। ये इस तरीके से जो है हम क्या कर लेंगे, इसकी डायमेंशनिंग कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।